हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरकेजी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, और आज एक और न्यू वैकेंसी की बात करने वाले हैं। फायरमैन की वैकेंसी आ चुकी है। हाँ फ्रेंड्स, 1130 पदों पर आपकी फायरमैन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फायरमैन भर्ती व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है, 8058813375 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 30 अगस्त से आपका आवेदन शुरू होने वाला है। जिसको भी अगर फायरमैन की भर्ती में शामिल होना चाहता है तो जरूर शामिल हो सकता है। यह भर्ती आई है आपकी CISM में। 1130 पदों पर कांस्टेबल फायरमैन भर्ती का ये शानदार मौका रहने वाला है। 1130 पद आपके इसमें शामिल किया गया है। सभी पर हम प्रोसेस पर बात करने वाले हैं। जो भी न्यू दोस्त है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल पर न्यू वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं फायरमैन CISM ने निकाली है भर्ती। 30 अगस्त से आपका आवेदन शुरू होने वाला है। 1130 पदों पर आपके कांस्टेबल फायरमैन भर्ती की ये वैकेंसी आ चुकी है। देख लेते हैं एक बार इसमें इंफॉर्मेशन जो काम की रहने वाली है। CRPF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेगा। आवेदन करने की लास्ट डेट 30 सितंबर तय की गई है, तो 30 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हो, यानी 30 अगस्त से 30 सितंबर तक। रिक्त पदों में 466 पद आपके जनरल कैटेगरी के हैं, वही 114 EWS के, 153 SC के, 161 ST और 236 आपके OBC वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। जल्दी ही इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन CRPF की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को आपको मिलेगा। और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन इसकी। जानकारी के अनुसार इस भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि बाद में ही जारी की जाएगी। आवेदकों को ध्यान रखना होगा कि इसकी फीस भुगतान की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के युवा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयु आपकी गणना 30 सितंबर से की जाएगी। SC ST वर्ग की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो यह आपकी भर्ती के बारे में हमने आपको बता दिया है। 30 अगस्त से आपका फॉर्म शुरू हो चुका है, यानी होने वाला है 30 अगस्त से। और चयन की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। फिजिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, मेडिकल व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी PET PST लिखित परीक्षा के पूरे होने के बाद लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर राज्य वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। जनरल EWS OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपया आवेदन की फीस रखी गई है। SC ST वर्ग के लिए 0 फीस है। लिखित परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क भी आपको चाहिए, मार्क्स कितने चाहिए यह हम आपको बता देते हैं। अनारक्षित वर्ग यानी EWS के लिए आपको 35% अंक आपको चाहिए, यानी 35% आपको चाहिए। और SC ST के लिए और OBC के लिए 33% आपको नंबर चाहिए। तो ये आपकी डिटेल है। जैसे ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन आ जाता है तो सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे। इसलिए जो भी दोस्त अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।